दस बीस तीस चालीस पचास व्यूज वालों के भी होंगे 4000 घंटे पूरे, और वो भी फटाफट बहुत जल्दी। आइए देखते हैं कैसे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है आप सभी का मेरे अनदर न्यू वन ब्लॉग रिंकी चौधरी ए टू जेड में। हाँ जी, आज हम इसी थंबनेल के बारे में बात करेंगे। और वो थंबनेल क्या है? जो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत थक गए हैं सबकी बातें सुन सुन के, वीडियोस देख देख के, पर लेकिन 4000 घंटे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो आज मैं एक ऐसा तरीका लेकर के आई हूँ जो मैंने खुद अपनाया है। मैंने भी करके देखा है, जब मेरे 4000 घंटे पूरे नहीं हो पा रहे थे तो मैं भी कुछ ना कुछ अपनी वीडियोस पर करती रहती थी, और आज मैं वही एक तरीका आप लोगों के लिए भी लेकर के आ गई। वो 4000 घंटे कैसे पूरे होंगे? सभी लोग परेशान है कि 10, 20, 30, 40 व्यूज आते हैं, इसके ऊपर व्यूज बढ़ते ही नहीं है, किसी की भी वीडियो पे नहीं बढ़ते। अब क्या करें, कोई देखता ही नहीं है, व्यूज ही नहीं जा रहे, 4000 घंटे कैसे पूरे होंगे? हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा, हमारी लाइफ पर भी व्यूज नहीं आते, हमारी वीडियोज पर भी व्यूज नहीं आते। तो फ्रेंड्स, परेशान मत होइए। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, लोग देखना पसंद नहीं करते, उसके लिए वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा YouTube पे सबसे ज्यादा चीजें वो ही लोग देखते हैं, या तो जिसमें किसी चीज में सस्पेंस होता है या फिर बहुत क्रिएटिविटी होती है, उन्हीं वीडियोस को ज्यादा देखा जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं वीडियोस को दी जाती है जिसमें कुछ सस्पेंस होता है या फिर कुछ क्रिएटिविटी होती है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब हम किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखते हैं, कभी भी देखना, जब हम व्लॉग देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सा बनाते हैं, उनका थंबनेल भी बड़ा क्रिएटिव होता है, बड़ा सस्पेंसिव सा होता है। और जब वो कुछ समझाते भी है ना, तो स्टार्टिंग में सस्पेंस रखते हैं, फिर मिड में थोड़ा सा समझाते हैं और कहते हैं कि लास्ट तक मेरी वीडियो को जरूर देखना। और वो जब लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में बताते हैं कि फ्रेंड्स ये काम था, ये करना है। तो हमें भी यही ट्रिक अपनानी है, लेकिन कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे अपनी वीडियोस को इंगेज करना है, कैसे अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना है, और कैसे पीपल्स को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि वो हमारे वीडियोस देखें। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फोन का इंटरफेस, यहाँ पे मैं जाऊंगी, मैं अपने यूट्यूब पे जाऊंगी, प्लस के निशान पर जाऊंगी, और यहाँ से मैं अपना शॉर्ट सिलेक्ट करूंगी, अपनी गैलरी से शॉर्ट को उठाऊंगी, जो भी मैंने शॉर्ट बनाया होगा डांस का या किसी भी चीज का, जिसका भी आपका हो, डन करना है मुझे। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रही है, सभी के फोन में चलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ पर एड साउंड करेंगे, ठीक है। एड साउंड करने के बाद हम यहाँ से फिल्टर ले लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे कोई अच्छा सा छोटा सा, राइट का निशान करेंगे, उसके बाद वहां ए पर जाएंगे, राइटिंग करेंगे यहाँ पे कि मैं गिर गई। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखा कि मैं डांस करते करते गिर गई, भाई मैं गिर गई, मैंने ये लिख दिया, अच्छा सा कलर लगा दिया। अब ये रेड कलर है, चलो कोई बात नहीं, मैंने रेड लगा दिया, आप चूज कर लेना। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्शन डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कैप्शन में क्या डालना है, कुछ इंटरेस्टिंग सा डालना है। मेरा डांस का है तो मैंने डांस का डाल दिया, कोई जो भी मैंने गाना सिलेक्ट किया था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ डन करके मैंने अच्छा सा थंबनेल सिलेक्ट कर लिया, ये ऐसे नीचे वाला, कि भाई देखो मैं गिर गई थी, पेंसिल के निशान पर जाकर के सिलेक्ट करना है। ऊपर पेंसिल का निशान आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पेंसिल के निशान पर जाना है, वहाँ सिलेक्ट करना है। चैनल तरीके से आपको अपना वीडियो, लोग देखते क्या है, लोग देखते ये है, वो आपके लाइव में या आपके यूट्यूब चैनल पर कब घुसते हैं, तब देखना पसंद करते हैं, तब क्लिक करते हैं जब कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाई देता है, कुछ सस्पेंस दिखाई देता है, कुछ चटपटा सा दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट कॉमेडी में है तो आप सारी कॉमेडीज वीडियोस देखोगे, पर कौन सी वाली? वो कॉमेडी वीडियोस देखोगे जिसमें ना थंबनेल ऐसा लगा होगा कि आप खोलने पर मजबूर हो जाओगे, और फिर उसके अंदर सस्पेंस कॉमेडी का ऐसा होगा कि आप लास्ट तक देखना ही आपको पड़ेगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें यही करना है, हम कोई भी वीडियो बना लें, चाहे हम टेक की वीडियो बनाएं, चाहे हम ब्लॉग बनाएं, और चाहे हम कॉमेडी, और चाहे कुकिंग, एनीथिंग ईडीसी, हम कोई भी ब्लॉग बना लें, कोई भी ब्लॉग बना लें, हमें क्या करना है, हमें बनाना है शॉर्ट। और हमें शॉर्ट कैसे बनाना है, उस पर थंबनेल कैसे लगाना है, उस पर क्या लिखना है, और उसको सस्पेंसिव और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, आइए देखिए। मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें शॉर्ट पे थंबनेल कैसे लगाना है, हमें क्या लिखना है कि लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और हमें बीच में क्या सस्पेंस डालना है वीडियो के, कि लोग वीडियो को क्लिक करके पूरा देखने पे मजबूर हो जाएं। आपने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा, मैंने किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो उठाया। मुझे डांस का शौक है, आपको जिस चीज का शौक हो, जिस चीज का आपका ब्लॉग हो, आप डालिए।
आप ऐसा इंटरेस्टिंग सा थंबनेल पहले से या तो बना के रख सकते हो, और अगर आप डांस वगैरह के शौकीन हो जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे मैंने बताया पेंसिल के निशान पे जाके इंटरेस्टिंग सा थंबनेल लगाइए जिसमें आप बैठे हो या आपने कुछ ऐसा मतलब किया हुआ है कि लोग देखें, अरे ये क्या है, इसको ओपन करके देखा जाए, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। उस पर कुछ कोटेशन डालिए, जैसे कि मैंने डाला था कि मैं गिर गई, आप कुछ और डाल दीजिए कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो कौन आया, देखो मैं डर गई, इस टाइप से कुछ लिख दीजिए या कुछ क्वेश्चन लिख दीजिए कि आप बताइए, या कुछ और जो भी आपके माइंड में हो कुछ माइंड में इंटरेस्टिंग सा सोचिए और लिख दीजिए। उसके बाद अपना एक बढ़िया सा वहां पे डिस्क्रिप्शन में डालिए, कुछ भी बढ़िया सा, या तो कोई गाना है तो गाने का कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट डालिए कि लोग पढ़ें, ये कौन सा गाना है, ये क्या चीज है, या ये क्या बना रही है, इस तरीके से कुछ। या कॉमेडी में डालिए तो लिखिए, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे या हंसी रोक नहीं पाओगे। इस तरीके से कुछ लिखिए, कुछ डालिए ताकि लोग देखें। जो लोग कॉमेडी के शौकीन है वो जरूर देखेंगे, जो व्लॉग के शौकीन है वो जरूर देखेंगे, कि कुछ लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं तो वो देखना चाहेंगे कि क्या हुआ इसकी फैमिली में, ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ था, आज ही कहाँ गए थे। इस तरीके से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा थंबनेल डालिए, कुछ इंटरेस्टिंग से डिस्क्रिप्शन डालिए, और कहिए कि डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखिए कि व्लॉग देखिएगा, व्लॉग में पूरी बातें लिखी हैं, या पूरा व्लॉग देखना इसमें है, कुछ ऐसा हुआ आज, या क्या हुआ आज, पूरा व्लॉग देखिएगा। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, लोग आपके व्लॉग को जरूर क्लिक करेंगे और एंड तक भी देखेंगे, और जो जो आपके वीडियो को एंड तक देखेगा और उसमें आपको जो वॉच टाइम मिलेगा और आपकी रीच बढ़ेगी ऐसे यहाँ डाउन से अप, आपकी रीच। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट्स डालते हैं, हर एक व्लॉग का एक शॉर्ट बना के डालिए, इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट डालिए और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए व्लॉग देखिएगा, व्लॉग व्लॉग में है पूरी बातें, हमने क्या किया क्या नहीं किया। इस तरीके से लोग आपके व्लॉग को देखेंगे, इंटरेस्टिंग बनेगा और आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। आप कोशिश करके जरूर देखिएगा, मेरी मानिए मैंने किया है, जब मैं अपने डांस वीडियोस बनाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा जरूर डालती हूँ ताकि लोग देखें और इंगेज हो जाएं मेरे चैनल पर। उसके बाद जब भी हम लाइव चलाते हैं, व्लॉग डालते हैं, लोग हमारे लाइव्स को लाइव में जुड़ते हैं, हमारे व्लॉग्स में जुड़ते हैं और हमें वॉच टाइम मिलता है, तो हमें इस तरीके से वॉच टाइम पूरा करने में आसानी होती है और हमारा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।